हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर एक मैच हो रहा है बंडसलीगा लीग का, जो कि खेला जाएगा फ्रीबर्ग वर्सेस बेयर्न मनीष के बीच पूरे 1 बजे। एंड कल शनिवार है तो भाई रात के मैच तो यहाँ आज के भी ज़रूर कवर होंगे, क्योंकि कल का दिन तो अच्छा तो है, लेकिन आज जितने मैच भी मैं सारे प्ले करने वाला हूँ भाई 1:30 बजे तक। ठीक है, तो अमेजिंग मैचेज हैं आज। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करूँ अगर मैं इस मैच की, देखो भाई ऐसा है कि बेयर्न मनीष टीम ने जितनी बार भी फ्रीबर्ग के अगेंस्ट खेला है तो हमेशा से बेयर्न मनीष का परला भारी रहा है। हाँ, एक आध बार कभी हार गई होगी, उसको बोलते हैं अपसेट मैच, तो ऐसे तो होते रहते हैं भाई। ऐसे है, क्रिकेट में भी होता है ऐसा, इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, तो मतलब हर जगह होता है। तो ऐसा है कि बेयर्न मनीष टीम इनसे बहुत आगे है फ्रीबर्ग से, मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से। तो यहाँ पर बेयर्न मनीष को सिंगल साइड फेवर करो। तो आगे चलते हैं, तो सबसे पहले देखो मैं आपको स्ट्राइकिंग की ओर लेके चलता हूँ। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आपको हैरी केन तो एक ज़बरदस्त प्लेयर मिल ही चुका है, मतलब लोगों के कैप्टन रखने की टेंशन तो अब ख़त्म। सबको पता है कि हैरी केन खेलेगा और वो कैप्टन होगा, और वो सबका कैप्टन होगा। भले ही आप ग्रैंड लीग खेल लो, भले ही आप स्मॉल लीग के कोई भी कॉन्टेस्ट खेल लो, 2 मेंबर 3 मेंबर 4 10 25 भाई कोई भी, लेकिन हैरी केन सबका कप्तान होगा, क्योंकि हैरी केन से बेटर ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद टी मलर और ये अपना एक प्लेयर है मैक्सिम, इन दोनों में से भाई कोई एक आज खेलने वाला है। तो मेरा ऐसा है कि मैं चाहता हूँ मैक्सिम खेले, बट मेरे कहने पे नहीं होगा, ये लोग मलर को भेजेंगे, तो मलर को लो, क्योंकि के कोमान नहीं खेल रहा, वो इंजर्ड है। ठीक है, उसके बाद मिडफील्डिंग में जिन लोगों ने भी एल सेन को ले रखा है, चुपचाप निकाल दो, वो इंजर्ड है, उसको वाउंड हुआ है, प्रॉब्लम है, नहीं खेलेगा वो, पता नहीं कब ठीक होगा। अभी ये सिर्फ ये रिपोर्ट आई है कि वो इंजर्ड है, तो एल सेन तो आज खेलने से रहा। ये 95% लोग अभी एंड में इसको निकालेंगे, तो अभी हम पहले ही निकाल देते हैं। अब हम मुशियाला को लेंगे, मुशियाला के बाद एल सेन की जगह पर जो भी प्लेयर खेलेगा मैं उसके साथ जाऊँगा, क्योंकि देखो एस गनेबरी बेचारा इंजर्ड है, उसकी वापसी हो जाती तो और अच्छा लगता। अब एल सेन भी इंजर्ड हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं भाई, क्योंकि मेरे को मजबूरी में ना, मेरे को क्या है कि ये लोग मेरे को पता है मैक्सिम को भेजेंगे और मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे हॉलर लेना पड़ जाएगा, ग्रेगर स्टिच को मैं ट्राई करता नहीं, तो ये मेरी एक मजबूरी समझ के भाई एक प्लेयर आपको छोड़ना पड़ेगा मैक्सिम को। बट मैक्सिम बहुत अच्छा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस प्लेयर को लेने की एंड तक, बट तब तक आप जे किमिच को सेव कर लो। ठीक है, उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो मेरे को रॉलेंड सलही बहुत अच्छा प्लेयर लगता है, ये मैक्सिमम गोल्स करता है, तो शुरू से बहुत अच्छा रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। उसके बाद ग्रिफो, ग्रिफो इज़ अ पेनल्टी टेकर, तभी ग्रिफो को हर बंदा लेता है। उसके बाद मैं डिफेंडिंग की बात करूँ तो केमिन जय, एमडेलाइट सुनने में आ रहा है इंजर्ड है, सुनने में आया है, शायद मैं नहीं लूँगा इसे। और ओपम कैनो की बात करें, वो भी शायद इंजर्ड है। अल्फोंजो डेविस की अगर बात करें, अल्फोंजो डेविस तो कंटिन्यू ही इंजर्ड है, उसका तो पता ही है। राफेल गुरेरो की बात करूँ तो राफेल गुरेरो यहाँ पे खेलेगा, और एमडेलाइट, डी ओपम कैनो, अल्फोंजो डेविस पूरे तरीके से इंजर्ड हो रखे हैं। उसके बाद अगला प्लेयर मेरा एरिक डियर रहेगा, क्योंकि मैं मजरोई के साथ नहीं जा रहा, लेना होगा तो बाद में सोचेंगे। एंड बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तो एन एटुबोलू को यहाँ पर मैं लूँगा। बात करें कप्तान की, देखो भाई कप्तान है हैरी केन, वाइस कप्तान अभी आप मुशियाला को रखिए, क्योंकि आपको पता है कि मिडफील्डर सारे इंजर्ड हैं, और जिस कारण सारा का सारा दामोदार मुशियाला के ऊपर है, और वो बंदा बहुत ट्रस्टेड है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है मुशियाला, तो वाइस कैप्टन का तो ऑप्शन यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।